दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज हर्बिसाइड जो कि डिफरेंट क्रॉप्स में यूज किए जाते हैं। तो उन क्रॉप्स की अगर हम बात कर लें तो जैसे हम बात करेंगे इसमें मेज में, सोरगम में, बाजरा में। पहला तो यहाँ इससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे मेज और सोरगम और बाजरा, इन जो तीनों क्रॉप्स हैं इनके जो नेचर हैं वो आपको सिमिलर मिलेंगे, ये सिमिलर नेचर के क्रॉप हैं। तो इसमें देखोगे जो मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड्स हैं जैसे आपका सीमेजीन है, एट्राजीन है और 2,4-D। ये जो तीनों हर्बिसाइड हैं काफ़ी कॉमनली यूज किए जाते हैं, आपको मेज में भी मिलेंगे और सोरगम में और बाजरा में। सीमाजिन के केस में भी क्या किया गया है, इसको विड्रॉल कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया फ्रॉम इंडिया से। ठीक है, लेकिन अभी ये एट्राजिन और 2,4-D जो कि यूज में है। अगर हम डोज की बात कर लें तो इसकी जो डोज है 1 kg पर हेक्टेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट है सीमाजिन की, और इसको जो यूज करते हैं हम एज ए प्री इमरजेंस आर अर्ली पोस्ट इमरजेंस, इसको आप यूज कर सकते हो सीमाजिन को। और एक किस नेचर का हर्बिसाइड है, ये जो हर्बिसाइड है ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, याद रखिएगा। मींस ये एबल है कंट्रोल करने के लिए ब्रॉड लीफ वीड एज वेल एज नैरो लीफ वीड। ठीक है, इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड भी बोलते हैं। अभी यही बात अगर हम एट्राजिन की कर लें, इसकी डोज देखोगे 0.5 से लेके ये आपको 0.75 kg पर हेक्टेयर इसका जो है वो रेट है। और ये भी किस नेचर का है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, मीन्स ब्रॉड लीफ वीड और नैरो लीफ वीड दोनों वीड को ये कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, यही बात अगर 2,4-D करें तो इसमें इसका जो रेट है 0.5 to 0.75 kg आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर यूज होगा। और ये स्पेशली जो देखोगे आपको ये ब्रॉड लीफ जो वीड होते हैं उनके लिए ये 2,4-D का हम यूज करते हैं। तो ये हमने बात किया पहला जो है उसमें मेज, सोरगम और बाजरा में, ये तीन मोस्ट कॉमनली जो है हर्बिसाइड जो यूज किए जाते हैं। अब हम ऐसे ही अकल पल्सेज में देखें, जो दूसरा ग्रुप यहाँ पर हमारे पास है पल्सेज। पल्सेज मीन्स इसमें सब ऑल टाइप ऑफ द पल्सेज की हम बात करेंगे। तो उनमें कौन कौन से मोस्ट कॉमनली यूज हर्बिसाइड है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पेंडी मेथेलिन है, ऑक्सी फ्लोर फेन है, फ्लू क्लोरालीन है, इमाज था पायर है, क्विजेलोफॉफ इथाइल है और एला क्लोर है। तो ये जो है पेंडेमेथिलीन, ऑक्सीफ्लोरोफेन, फ्लूक्लोरालीन, इमेजेथापायर एंड क्विजेलोफॉफ इथाइल और एला क्लोर, ये जो मोस्टली जो पल्सेज हैं उनमें इनको यूज किया जाता है। अब अगर हम बात पेंडेमेथिलीन की कर लें तो इसका जो यूज रेट है वो आपका 1 kg पर हेक्टेयर है और ये प्री इमर्जेंस है, ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है, मीन्स आफ्टर सोइंग ऑफ द क्रॉप बट बिफोर द इमर्जेंस ऑफ वीड। अगर आप इसको अप्लाई करते हो जस्ट आफ्टर सोइंग के 1 or 2 days आफ्टर अगर आपने अप्लाई कर दिया तो उस नेचर के जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनको प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कहते हैं, और उसमें जो हमारा ये पेंडामेथिलीन आता है। ठीक है, तो इसका जो रेट है आपको देख रहे हो 1 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर है। और ये किस किस नेचर का जो वीड को कंट्रोल करेगा, ग्रासेस एंड सम एक्सटेंट ये किसको, ब्रॉड लीफ वीट को। ठीक है, ये जो है ऑक्सीफ्लोरोफेन है ये आपका
लो डोज हर्बिसाइड में आता है। आप देखोगे इसका 150 के आपका 200 ग्राम पर हेक्टेयर इसको यूज किया जाता है। और ये भी क्या है, प्री इमरजेंस नेचर का है, मीन्स आफ्टर द सोइंग ऑफ द क्रॉप, 1 या 2 डेज आफ्टर द सोइंग ऑफ द क्रॉप आप इसको यूज कर सकते हो। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। मीन्स इसकी एबिलिटी होती है ग्रास एंड ब्रॉड लीफ एंड एट सम एक्सटेंट सेजेस को भी ये कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्लू क्लोरेलिन, ये भी बहुत ही कॉमन हर्बिसाइड है जो कि पल्स में यूज किया जाता है। और इसका जो डोज है आपका 1 kg पर हेक्टेयर है। और इसको प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन मीन्स जो सोइंग से पहले आपको इसको सॉइल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, क्योंकि ये हर्बिसाइड जो है वोलेटाइल नेचर का होता है। ये वोलेटाइल नेचर का होता है इसलिए इसका इनकॉर्पोरेशन करना सॉइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो रेट है 1 kg, और ये नेचर क्या है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन नेचर का है। और ये भी किल करता है किसको, ग्रासेस को और सम ब्रॉड लीफ जो वीड है उनको कंट्रोल करेगा। अब इसमें जो है ये हर्बिसाइड है इमेजेथापायर, इसका 75 से 100 ग्राम पर हेक्टेयर, ये भी लो डोज हर्बिसाइड में आता है। और ये कैसा नेचर का है, आपको अर्ली पोस्ट इमरजेंस, अर्ली पोस्ट इमरजेंस इसको आप अप्लाई करना होगा इमेजेथापायर को। और ये कंट्रोल किसको करेगा, ये कंट्रोल करेगा ब्रॉड लीफ वीट, सेज एंड ग्रासेस, इनको ये कंट्रोल कर लेता है इमेजेथापायर। अब क्विज़िलोफॉफ इथाइल की हम बात कर लें तो ये भी लो डोज हर्बिसाइड है, 40 से 50 ग्राम पर हेक्टेयर आपको यूज करना है। और ये पोस्ट इमरजेंस है, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। और यूज ये किसके लिए किया जाता है, जो ग्रासेस वीड हैं उनके कंट्रोल के लिए इसको यूज किया जाता है। अब वही बात अगर हम एलाक्लोर की कर लें तो 1.5 kg पर हेक्टेयर इसका रिकमेंडेड डोज है, प्री इमरजेंस नेचर का है। और इसको यूज किया जाता है ग्रासेस एंड सम ब्रॉड लीफ वीट, इनके लिए आपको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जैसे हमने बात कर ली, जैसे पल्स में पेंडीमेथरीन, ऑक्सीफ्लोरोफेन, फ्लूक्लोरालीन, इमेजेथापायर, क्विज़िलोफॉफ इथाइल और एलाक्लोर, ये जो है मोस्ट कॉमन यूज हर्बिसाइड है किसमें, पल्सेस में, जो पल्सेस हम ग्रो करते हैं। अब तीसरी हम यहाँ पर जो क्रॉप की बात करेंगे वो है सोयाबीन। तो सोयाबीन के जो इम्पोर्टेंट हर्बिसाइड हैं वो है आपका ट्राई फ्लू रेलिन, पेंडी मेथेलिन, मेट्रीब्यूजिन, फ्लू क्लोरा लिन, इमाज था पायर, क्विजिलो पॉप इथाइल एला क्लोर। तो ये जो है मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड हैं जो कि आपको सोयाबीन में यूज किए जाते हैं। अब इनके हम रेट की बात कर लें, जैसे ट्राईफ्लुरालीन है जो हमारा, ये आपका 1 से लेके 1.5 kg पर हेक्टेयर यूज किया जाता है एज प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। जैसे फ्लूक्लोरीन जैसे यूज किया जाता है वैसे ही आपका ट्राईफ्लुरालीन जो है ये भी एक वोलेटाइल नेचर का हर्बिसाइड है, और इसको आपको सॉइल में मिक्स करना होगा। और ये किसके लिए किया जाता है, जैसे आप देखोगे ये एबिलिटी रखता है कि इसको किसको कंट्रोल करने के लिए, जो ग्रासेस हैं और सम ब्रॉड लीफ वीड हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम ट्राईफ्लुरालीन को यूज करते हैं। अब बात करते हैं पेंडामेथिलीन की। पेंडामेथिलीन
पेंडामेथिलीन है जो 1 kg पर हेक्टेयर यूज किया जाता है एज ए प्री इमरजेंस, और किसके लिए, ये भी सेम जैसे ग्रासेस एंड सम ब्रॉड लीफ वीट। मेट्रीब्यूजिन की अगर हम बात करें तो इसका जो रेट है 0.5 kg ये पर हेक्टेयर यूज होता है एज ए प्री इमरजेंस, और ये भी जो है आपका सेम ग्रासेस और सम ब्रॉड लीफ वीट के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ फ्लूक्रोलिन है, इसका जो रेट है 1 kg पर हेक्टेयर है, और इसको यूज किया जाता है प्री प्लांट इनकारपोरेशन, मीन्स बुआई से पहले सॉइल में इसको इनकारपोरेट कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी ग्रासेस एंड सम ब्रॉड लीफ वीड के लिए यूज किया जाता है। इमेजिस्टाफायर जो है ये लो डोज हर्बिसाइड है, 75 to 100 ग्राम पर हेक्टेयर यूज करते हैं एज ए ये अर्ली पोस्ट इमरजेंस है, और ये ग्रासेस ब्रॉड लीफ वीड एंड सेज इन तीनों के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये क्विजलोफाफ है, ये 40 से 50 ग्राम पर हेक्टेयर है, और ये पोस्ट इमरजेंस है, और ये यूज किया जाता है ग्रॉसेस के लिए, ठीक है। अगर एलाक्लोर की बात करें तो ये 1.5 kg पर हेक्टेयर यूज किया जाता है, प्री इमरजेंस नेचर का है, और ग्रासेस एंड ब्रॉड लीफ वीट के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ देखोगे आप सोयाबीन में आपको ट्राइफ्लोरिन, पेंडामेथिलीन, मेट्रीब्यूजिन, फ्लुक्रोलिन, इमेजेथापायर, क्वेजलोफॉफिथाइल एंड एलाक्लोर, ये सब मेजर हर्बिसाइड हैं, और इनके जो रेट दिए हुए हैं और एक किस टाइम पे एप्लीकेशन किए जाते हैं उनका बारे में। इसमें दो है जो प्री प्लांटिंग कार्पोरेशन नेचर के हैं, जैसे आपका ट्राइफ्लोरिन है और फ्लुक्रोलिन है। और उसके बाद तो यहाँ पर जैसे कॉमनली हमने जो हर्बिसाइड कुछ की बात की कुछ क्रॉप्स में, और ये उम्मीद करूंगा आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में, मेमोराइज करने में हेल्पफुल होगी, और कहीं भी किसी टाइम पर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी है कमेंट करके और लाइक करके बता सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।